नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी में पिछले दिनों रोहनिया क्षेत्र में दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले बदमाशों और कमिश्नरेट पुलिस के बीच सोमवार सुबह बड़ा गांव इलाके में मुठभेड़ हो गई। रिंग रोड किनारे तड़की हुई मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर गोलियां चली। मुठभेड़ में दो बदमाश मारे गए हैं, जबकि तीसरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक 9 mm पिस्टल और एक 32 बोर का पिस्टल, बाइक, मोबाइल फोन और जरूरी कागजात बरामद किए हैं। बदमाशों ने लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय कुमार पर कुछ दिन पहले ही जानलेवा हमला कर उनकी पिस्टल लूट ली थी। इसके बाद से ही पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। क्राइम ब्रांच और बड़ागांव पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश रिंग रोड के पास है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें क्राइम ब्रांच के आरक्षी शिव बाबू घायल हो गए। जवाबी कार्यवाही में दो बदमाशों को भी गोली लगी है और वो घायल हो गए। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, यहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के मुताबिक मौके पर फील्ड यूनिट समेत अन्य अधिकारियों को रवाना किया गया। बदमाशों के कब्जे से बरामद 9 mm पिस्टल दरोगा वाली ही निकली। 9 नवम्बर को तीन बदमाशों ने लक्सा थाने में तैनात दरोगा को गोली मारी थी और पिस्टल लूट कर भाग गए थे। रिंग रोड पर भलेखा गांव के पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश सगे भाई हैं। जो बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागा वो उनका तीसरा भाई है। तीनों हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देने में माहिर हैं। बदमाशों की शिनाख्त बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहद्दी नगर थाना के गोलबा निवासी रजनीश सिंह और मनीष सिंह के रूप में हुई है। उनका तीसरा भाई लल्लन पुलिस को चकमा देकर भाग गया। यूपी DGP डॉक्टर DS चौहान ने कहा कि हमारे बहादुर सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मारकर उसका सर्विस पिस्टल लूटने वाले मुठभेड़ में मारे गए हैं। हमने उन बदमाशों के लिए ऑपरेशन पाताल लोक चलाया था। हमने तय कर लिया था कि उन बदमाशों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मारे गए दोनों बदमाश समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। दोनों सगे भाई थे। ये तीनों बदमाश बिहार में जुडिशियल कस्टडी से ही भागे थे। ये बदमाश बिहार में दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके थे। बिहार में 3 पुलिसकर्मियों की सरकारी असलहे लूट चुके थे। 2 बैंक डकैती के दौरान 5 आम नागरिकों को भी मार चुके थे। हमने अपनी स्ट्रेटजी के तहत इन्हें वाराणसी से निकलने नहीं दिया। हमारी दरोगा की लूटी हुई पिस्टल बरामद हो गई है। मारे गए बदमाशों से एक देसी पिस्टल भी मिली है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया है। मुठभेड़ वाली टीम को उनकी तरफ से 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यह नया उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वे यूपी की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9 mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और DGP महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। जहाँ तक मौके की जानकारी है, मौके पर एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।